Hello everyone, my name is Shubham Singhania and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2, Commerce and Management. मैं एक बहुत ही important information आपको देने वाला हूँ जो कि आज Times of India newspaper में आई है and this is a very good news for all those students जो NTA UGC NET की preparations कर रहे हैं. तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. तो दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि एक रिसेंटली पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी एंड उसके दो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस आए हैं जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो लेक्चरर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए जो पीएचडी में इनरोल करना चाहते हैं. सो पहली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अब एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का की रिकमेंडेशन आई है का प्रोविजन बनाया जा रहा है फॉर ऑल द सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स. तो इसका मतलब है कि जो भी इंस्टीट्यूट्स सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड किए जाते हैं वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट के लिए एक कॉमन एंट्रेंस रखा जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके एंड किसी भी तरीके की मिस हैपनिंग ना हो एंड किसी भी तरीके की बायसनेस ना आए रिक्रूटमेंट करते टाइम. तो ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन रिक्रूटमेंट से रिलेटेड. सेकेंड इन्फॉर्मेशन ये आ रही है जो कि रिकमेंड की गई है इस पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा, वो ये है कि जो आपकी जूनियर रिसर्च फेलोशिप की स्कॉलरशिप होती है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है. तो अभी तक जो फेलोशिप है वो 32,000 होती है जो आपकी स्कॉलरशिप है, उसके साथ आपका कुछ एचआरए का पोर्शन ऐड हो जाता है एंड अप्रोक्सीमेटली आपको 38,000 की स्कॉलरशिप मिलती है अगर आप पीएचडी में इनरोल कराते हैं. अब रिकमेंडेशन ये आई है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे इंडिविजुअल्स को जो रिसर्च करना चाहते हैं या फिर मैं कह रही हूं इनोवेटिव रिसर्च करना चाहते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए जो रिकमेंडेशन है वो ये कहती है कि 50,000 रुपीज पर मंथ जूनियर रिसर्च फेलोशिप कर देनी चाहिए. तो ये दो बहुत ही अच्छी न्यूज है स्कॉलर्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो लेक्चरर की पोजिशन में जाना चाहते हैं या फिर एनटीए क्रैक करके लेक्चरर बनना चाहते हैं या फिर पीएचडी में इनरोल करना चाहते हैं. इस इंफॉर्मेशन को का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो वहां से आप जाके इस न्यूज को वेरीफाई भी कर सकते हैं. सो दैट वाज ऑल. थैंक यू. टेक वेरी गुड केयर एंड बाय बाय.